अगर किसी भी राइटर को कोई स्टोरी लिखना है तो वो उसमें क्या क्या डालेगा? एक तगड़ा एक्शन या फिर एक मसालेदार लव स्टोरी, और सबसे महत्वपूर्ण कोई अच्छा सा एक मोरल जो राइटर अपने दर्शकों को देना चाहता है। जैसे ब्लैक क्लोवर का राइटर हमें बताता है कि कैसे के एक कमजोर भी एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है किसी भी पावर के बिना अपनी खुद की मेहनत से। जैसे मैजिक लेस आस्था हासिल करता है, वैसे ही डेमोन स्लेयर में राइटर हमें बताता है कि कैसे किसी बुरी चीज में कोई अच्छाई होती है और हमें उससे एक सीख मिलती है। और हम सब में एक डेमोन के अलावा एक अच्छा इंसान होता है जिसे देखने की जरूरत है। वैसे ही मेरे दोस्तों वन पंच मैन में भी राइटर वन सेंसिए हमें यह बताते हैं कि आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, ये दुनिया आपको उतनी ही मुश्किल दिखेगी जैसे पहले थी। आपको इस दुनिया में जीने के लिए किसी पावर की जरूरत नहीं। जैसे साइतामा इतना पावरफुल होकर भी एक आम आदमी जिन मुसीबतों का सामना करता है, साइतामा भी उन मुसीबतों से गुजरता है। यानी आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, आप मुसीबतों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हो टेक्स ऑफ गेमिंग यूट्यूब चैनल। यहाँ हम बात करते हैं वन पंच मैन के एनिमे और मांगा की बातें। अगर आप लोग यहाँ नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं वन पंच मैन के मांगा के बोनस चैप्टर्स का रिव्यू। तो अगर आपने वन पंच मैन सीजन 1 और 2 देखा होगा तो आपको पता होगा कि इनकी स्टोरी का अडॉप्टेशन वन पंच मैन की मांगा से किया गया है, और मांगा में इसके कई सारे बोनस चैप्टर्स भी आ चुके हैं जिसकी स्टोरी हमें ना एनिमे में देखने को मिली, ना किसी स्पेशल एपिसोड या फिर कहे ओवीए में देखने को मिली। तो इसलिए मैं आपके लिए आज की वीडियो में वन पंच मैन के फर्स्ट बोनस चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो सीधे अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने इंट्रो के साथ। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक मिडिल स्कूल की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और उनको एक टीचर मिडिल स्कूल के पहले दिन के मौके पर सबको कुछ संदीप महेश्वरी की ज्ञान की बातें झाड़ रहा होता है और बोलता है कि बच्चों आज तुम सबका मिडिल स्कूल का पहला दिन है। मैं चाहता हूँ कि आप सब में से हर एक स्टूडेंट आगे जाके अकेडमिकली और एथलेटिकली दोनों में उत्कृष्ट प्रतिभा प्राप्त करें, और तुम लोग आज जो मेहनत करोगे उसका फल भविष्य में तुम सबको मिलेगा। फिर हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दे जाते हैं और उनमें होता है हमारा साइतामा, और साइतामा की उम्र यहाँ हमें 12 साल की दिखाई जाती है। और हर बार की तरह यहाँ भी साइतामा को इतने लंबे चौड़े भाषण के कारण नींद आ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक हरामी लड़कों को जो कि फर्स्ट ईयर के न्यू बच्चों को बुली कर रहे होते हैं। जापान, साउथ कोरिया ऐसी कंट्री में मिडिल स्कूल में ऐसी बुलियंग सीनियर अपने जूनियर पर बहुत करते हैं। यहाँ ये सीनियर लड़के उन नए बच्चों को डरा धमका कर उनसे पैसे लूट रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आकर चिल्लाता है कि वही रुको तुम गुंडो मवालियो। यह लड़का एक साइकिल पर सवार होता है और यह लड़का और कोई ना होकर होता है हमारा मुहमेन राइडर। यानी कि साइतामा और मुमेन राइडर की एज और स्कूल सेम है। यहाँ मुमेन राइडर अपना नाम लिस बाइसिकल कम्यूटेटर ऐसा कहता है और उन बुली करने वाले लड़कों से भीड़ जाता है, और हर बार की तरह इसका क्या अंजाम होगा ये आपको पता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है साइतामा की क्लासरूम में जहाँ साइतामा बैठा होता है और कुछ बच्चे जो बुलिंग की घटना हुई थी उस पर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हमें एक टीवी की न्यूज दिखाई जाती है जहाँ बताया जाता है अभी अभी झेड सिटी के अंदर एक मॉन्स्टर को देखा गया, और हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके पीछे एक पुलिस अफसर दौड़ रहा होता है। जहां न्यूज रिपोर्टर आगे बोलते हैं कि लास्ट टाइम मॉन्स्टर 9 मंथ पहले जुलाई में देखा गया था, और अगर हमने पिछले 10 साल की रिपोर्ट देखी होगी तो मॉन्स्टर्स के मामले तेजी से बढ़े हैं। यह बातें कहते वक्त हमें एक ग्राफ दिखाया जाता है। फिर हमें साइतामा दिखाया जाता है जो बेड पे पड़ा लेट कर यह सब देख रहा होता है। फिर सीन साइतामा के स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ टीचर साइतामा को डांट रहा होता है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया होता है। टीचर उसे बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो सभी बच्चे तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम पीछे पड़ते रहोगे। यहाँ ये टीचर और साइतामा के बीच लंबी नोकझोंक चलती है, और वो टीचर साइतामा को लंबी चौड़ी डांट सुनाता है और साइतामा को क्लास खत्म होने के बाद उससे आकर मिलने को बोलता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम साइतामा को देखते हैं जो कि टीचर को मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ वही बुली करने वाले सीनियर आते हैं और वो साइतामा को बैकयार्ड में ले जाते हैं। यहाँ यह बंदे फिर से पैसे की डिमांड करते हैं, अगर साइतामा उनको पैसे नहीं देगा तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ साइतामा इसका विरोध करता है और अपना पंच दिखाते हुए एक हीरो एनिमे के प्रोटोगनिस्ट की तरह इंटेंस स्टांस देते हुए फाइट के लिए रेडी होता है। लेकिन ये साइतामा 13 साल पहले का साइतामा है और यह साइतामा की अच्छी खासी पिटाई होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ वही मॉन्स्टर आता है जो हमें टीवी न्यूज रिपोर्ट में दिखाई दिया था। यहाँ इस मॉन्स्टर का हमें कम्प्लीट लुक दिखाया जाता है और यह मॉन्स्टर एक पिग मनी बैंक की तरह दिखाई देता है, और इसका नाम पिग्गी बैंकॉन लिखा होता है, और वो लोगों के पैसे चुरा लेता है। यहाँ जो 200 येन साइतामा से उन सीनियर लड़कों ने हड़प लिए थे वो सभी पैसे ये मॉन्स्टर उनसे लेकर भागने लगता है। आज जितना भी साइतामा के साथ बुरा हुआ, चाहे स्कूल में टीचर से डांट पड़ना हो या होमवर्क भूलना या फिर सीनियर से मार पड़ना हो, इनके कारण साइतामा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस मॉन्स्टर के पीछे मेरे 200 येन वापस करो ऐसे चिल्लाते हुए भागने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर साइतामा को एक अच्छी खासी टक्कर मार देता है और साइतामा दीवार पर जाकर गिर पड़ता है और उसके 200 येन भी नहीं मिलते। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है
और हम देखते हैं साइतामा अपनी फटी हुई यूनिफॉर्म में अपने टीचर से मिलने पहुंचता है। यहाँ टीचर साइतामा को लेट आने का कारण पूछता है। साइतामा उसके साथ जो सब कुछ हुआ वो बता देता है। लेकिन ये टीचर बहुत खड़ूस आदमी होता है और साइतामा के किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता और फिर उसकी और डांट लगाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को जो घर लौट रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं एक लूजर हूँ, मैं इस सोसाइटी में नहीं जी सकता, ये दुनिया में कैसे जीना है इसकी मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं जो भी करूंगा उसमें हार जाऊंगा, क्या मैं इतना कमजोर होने पर भी अपना जीवन ठीक से जी पाऊंगा। यहाँ हमें साइतामा का हताश चेहरा दिखाया जाता है जो कि अपनी जिंदगी के कारण बहुत खुद को नाकामयाब समझने लगता है। फिर यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइमलाइन में शिफ्ट होता है जहाँ साइतामा किसी बर्फीले पहाड़ पर चल रहा होता है और उसके कंधे पर एक छोटा बच्चा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि साइतामा ने एक स्नोमैन वाले मॉन्स्टर को हराया होता है जिससे इस बच्चे को साइतामा ने बचाया। यहाँ हमें साइतामा और उस बच्चे की बातचीत दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि यह बच्चे की हालत भी साइतामा जैसी हुई होती है जैसे साइतामा ने अपने बचपन में बीती थी। वो बच्चा साइतामा से सेम क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेरे जैसा एक कमजोर इस दुनिया में जी पाएगा, और साइतामा उसे जवाब देता है तुम्हें इस दुनिया में जीने के लिए पावरफुल होने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो करना है वही करो। यहाँ तभी एक पहाड़ से भी बड़ा स्नो मॉन्स्टर आता है और फिर वो बच्चा साइतामा से बोलता है कि क्या तो तुम इसे भी हरा दोगे। साइतामा बोलता है कोई मुश्किल नहीं। और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है। अब हम इस एपिसोड की कुछ हिडन ईस्टर एग या कहे एक्स्ट्रा हिंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम स्टोरी के मोरल को समझेंगे। यहाँ वन सेंसी हमें बताना चाहते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल सीधी साधी फैमिली से हो और कमजोर हो तो इस दुनिया में आपको बहुत कठिनाई देखने को मिलेंगी। जैसे साइतामा एक नॉर्मल पुअर लड़का था लेकिन उसके साथ बहुत बुरा होता है, ना कि वो अपने 200 येन उन लड़कों से बचा पाया, ना उस मॉन्स्टर से वापस ले पाया। अब हम स्टोरी में जो हिडन पॉइंट्स है वो देखेंगे। पहला फैक्ट, अगर आपने एनिमे देखा होगा तो वहां साइतामा कहां से आया है या फिर वो कौन है वो कोई नहीं जानता, उसका कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इस बोनस चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि साइतामा तो बचपन से ही झेड सिटी में रह रहा है और वो स्कूल भी जाता था जहां पर उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर दर्ज होगी, जैसे कि साइतामा के पेरेंट्स कौन है या फिर वो अनाथ है क्या। अगर आपको पता होगा जो क्रैब मॉन्स्टर था वो भी झेड सिटी के अंदर ही साइतामा से भिड़ा था। सेकेंड फैक्ट, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि है मॉन्स्टर का देखा जाना वह साइतामा के बचपन से शुरू हुआ था, यानी 13 साल पहले जो मॉन्स्टर दिखाई देते थे उनकी संख्या बहुत कम थी और वो बहुत कम पावरफुल थे, और साइतामा जिस झेड सिटी के इलाके में रहता था वहां ये मॉन्स्टर ज्यादातर देखे जाते थे। मतलब अगर साइतामा का कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि जो झेड सिटी का अबंडन इलाके में साइतामा रहता था उसे मॉन्स्टर्स ने पूरा बर्बाद कर रखा था और उसके कारण साइतामा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई जान पहचान का। थर्ड फैक्ट, न्यूज रिपोर्टर बताते हैं पुलिस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकती और गवर्नमेंट को एक स्पेशल फोर्स बनानी चाहिए जो मॉन्स्टर से फाइट कर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ आज की तरह कोई सुपर हीरो नहीं है, ना कोई हीरो एसोसिएशन। फोर्थ फैक्ट, जैसे न्यूज रिपोर्टर बताते हैं कि मॉन्स्टर को रोकने के लिए गवर्नमेंट कोई बड़ा ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है और मॉन्स्टर को सीधा सीधा शूट करके मारा क्यों नहीं जा रहा। यहाँ हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट मॉन्स्टर्स किसी वजह से मार नहीं रही, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स पर रिसर्च कर रही होगी और क्या पता मॉन्स्टर्स को वेपन के रूप में यूज करने के लिए उन्हें ज्यादा बढ़ावा दे रही हो। करंट टाइमलाइन में जो इतना आतंक मॉन्स्टर्स ने मचाया है उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, या कोई डार्क पर्सनैलिटी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही हो। यहाँ इस एपिसोड या कहे चैप्टर का अंत होता है। अगर आप दर्शक अब तक मेरे साथ है तो आप सभी को मेरा बहुत शुक्रिया। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।